लगातार यहाँ बैठे हुए हो गए हैं और हमारी मांगे कोई बहुत बड़ी नहीं, हमारी बस एक ही मांग है कि जो एनआरसी सीए को लेके जो हमारी सरकार ने बिल दिया, हम उस बिल को एग्जिस्टेंस में नहीं, हम नहीं चाहते कि वो बिल लागू, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो बिल हमारे संविधान के खिलाफ है और हम नहीं चाहते कि जो भी चीज़ संविधान के खिलाफ है वो इस देश में, क्योंकि हम धर्म के बेसिस पे इस देश के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो औरतों का लर्निंग प्रोसेस है ना, उनका जो जज्बा है ना वो दिन पे दिन बढ़ता ही जाए। जो चीज़ें हो रही हैं कि कभी कहीं शाहीन बाग में आके गोली से कोई हमला करता है, कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई ऐसी बात कह देता है जो दिल, लेकिन उससे ना हमारे जज्बे में कमी नहीं है, हमारे जज्बे में इजाफा हो रहा है और हमें ये पता है कि हमारी लड़ाई लंबी है और वो लड़ाई लड़ने के लिए सारी औरतें तैयार हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी उम्र क्या है, अगर अगर आप देखें तो हमारे यहाँ 90 साल की औरतें तक बैठी हुई हैं और शाहीन बाग में तो एक औरत का इंतकाल इस वजह से उधर नहीं करती, 90 साल की थी, उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो इन चीज़ों के बाद भी हम लोगों का जो जज्बा है वो कम नहीं है, जितने वक्त इसे लगेंगे हमारा जज्बा उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा इस लड़ाई को लड़ने के। धर्म के बेसिस पे इस देश में कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारा मेन राइट वो है। हम ये बार बार कहते हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, गणतंत्र है, डेमोक्रेटिक है, गणतंत्र है। डेमोक्रेसी के अंदर सरकार लोग बनानी और सारे फैसले भी लोगों के लिए होने चाहिए। फिर आप एक ऐसा कानून कैसे बना सकते हैं जिसकी जो मेन बुनियाद है वो धर्म है, कि आप कुछ लोगों के धर्मों को कह रहे हैं कि आप नागरिकता दे देंगे और कुछ को अलग कर रहे हैं। हमें तो चाहिए ही नहीं कि धर्म के बेसिस पे किसी भी चीज़ के फ़र्क आए या कोई भी कानून। हमारी लड़ाई बस ये है कि हम इस कानून को नहीं चाहते कि कानून लागू। यहाँ पे सबको पता है कि कानून किस चीज़ के तहत आया है, कि पहले ये कैप था, पहले बिल था, अब ये एक एक्ट बन गया है, तो उन्हें बिल और एक्ट में फ़र्क पता है। सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको जागरूक है, वो सब अवेयर हैं कि ये चीज़ है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो लोग भीड़ को देख के यहाँ बैठ गए, उन्हें पता है कि हम किसके खिलाफ लड़ाई लड़ कर बैठे हैं, किस मुद्दे का, मुद्दे के खिलाफ बैठे हैं हम सब। आज की जज्बे का तो ये, अभी एक बहन हमारी आई थी 30 साल के बाद, उन्होंने खत्म उठाया था, वो बोल रही थी अभी उनके लिए एक बार ताली हो जाए। अभी एक बहन अभी बोल कर गई है, 30 बहुत कहती है कि 30 साल बाद उन्होंने कलम उठाया था, उन्होंने देशभक्ति के लिए भी बोल कर गई है। हम लोग बहुत तेजी से हमारे अंदर जो है जागरूकता बढ़ रही है, क्योंकि ये लड़ाई शायद थोड़ी लंबी हो। 20 एक महीना हमें शाहीन बाग को देख के इस चीज़ की समझ रखनी चाहिए कि उन्हें 2 महीने से ज़्यादा हो, अगर उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई तो हम इतने दिन में कैसे हार मान सकते हैं। हम सबको एक दूसरे की ताकत बन के अपने जज्बे को बढ़ाना है, क्योंकि जितनी हमारी तादाद बढ़ेगी हम उतने अपने मंजिल के करीब के तरीके से। हम सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि उस एक एक औरत के वहाँ बैठने से हमारे हौसले में इजाफा हो, हमें हौसला मिलता और हमारे हौसले की जो पहली बुनियाद है वो वही लोग हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन शुरू लोगों से होता है और ख़त्म भी लोगों पे ही, वो बुनियाद है हमारे इस आंदोलन। क्योंकि अगर एक भी पुर्जा हिला तो शायद हम सब हिल जाएंगे, लेकिन वो लोग वहाँ डटे हुए हैं और इसीलिए हम भी डटे हुए हैं। उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, साथ साथ उनसे ये भी कहते हैं कि वो भी ऐसे रहे और हम भी जब तक हम इस कानून को उनसे वापस नहीं लें। जो लेडीज़ और प्रोटेस्ट में हमारा उनसे हौसला है और उनका हमसे हौसला है, तो हमें और ये हम संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से, बस ये पहुँचा दें हमारी बात। सबसे अहम बात ये है कि हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है, वो चाहे अभी जो है आगे और बढ़ा दें, वो 4 हफ्ते और बढ़ा दें, जब तक के हम हटेंगे नहीं, वापस नहीं लिया जाएगा, हम नहीं हटेंगे, हटने वाले नहीं है। वो 4 साल 4 महीने की बच्ची का इंतकाल हुआ, वो माँ अभी तक नहीं हटी है एनआरसी का भी, लेकिन अब ये हमारा मसला विकास का भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब सरकार जो कर रही है, सरकार सीएनआरसी से हमारा ध्यान जो भटका रही है, ये हमारे देश से हमारा ध्यान भटका रही है, जैसे एलआईसी और एयर इंडिया और रेलवे स्टेशन जैसे इन्हें प्राइवेट कर रही है, तो ये हमें और इंडिया को पूरा खोखला कर रही है। तो हम ये ना सोचे सरकार की अगर हम एनआरसी और सीए के खिलाफ है तो हम सरकार पे नजर नहीं रख रहे, वो क्या कर रही है। ये हमारा मुद्दा एनआरसी सीए का नहीं, हमारा मुद्दा रोजगार है, क्योंकि हम अपने पढ़ लिख रहे हैं लेकिन हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारा मुद्दा विकास का भी है। तो इसलिए हम मोदी जी से यही कहेंगे कि हमारा मुद्दा सिर्फ एनआरसी सीए तक ही वो नहीं है, रुका हुआ नहीं है, अभी हमारा बेरोजगारी पर है, शिक्षा पर है, स्वास्थ्य पर भी है। ये सिर्फ हमारी मुस्लिम एक कम्युनिटी की बात नहीं है, आपकी भी बात है, अगर आज हम पर बात है कल आप पर ही आएगी, क्योंकि दलित वर्ग, अछूत वर्ग, क्योंकि अभी वो उभर के आए, सरकार ने अभी इतनी आज़ादी के बाद अभी ही उन्हें इतना असमानता मिलती है, लेकिन आप कहीं जगहों पर देखेंगे कि अभी भी उनके साथ असमानता का व्यवहार ही होता है, कि अभी आपके साथ ही हो रहा है। अगर अभी हम चुप हो गए, अभी हमारी आवाज़ दब गई, तो आप फिर अपनी आवाज़ ना दबा उठा नहीं पाएंगे और हमेशा आपकी आवाज़ दबी ही रहेगी। तो
तो हम यही चाहते हैं कि आप भी हमारे इस प्रोटेस्ट में हमारा साथ दें और निकले और निकले और क्योंकि हमारे बाद आप ही लोग और भी आना है लिया जाएगा, इसलिए आप लोग निकले बाहर। एक ही नारा है, हम एक थे, एक है, एक ही रहेंगे, हम सब एक है। हिंदू दीवाने बदल रहे पर हम एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। हमें कोई तोड़ नहीं सकता। ये हमारा वतन है, हिंदुस्तान हमारा है, घर हमारा है और ये गढ़ हमारा है। यहाँ चारों कौम हमारी है, हमारे भाई बंद है यहाँ पर सब। बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे पढ़े लिखे उनको नौकरी नहीं, बेटियाँ पढ़ी लिखी उनको नहीं, तो हमारा ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? मोदी अच्छे दिन की तरफ ले जा रहे हैं या बुरे दिन की तरफ ला रहे हैं? अपना नारे जो है सब गलत है, बंद करें और कुछ नया विकास का साथ सबका विकास है वो सबका साथ कहीं नहीं। मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी आज सड़कों पे होती है तो इस बाप को चाचा का इनको का इतना सताया जा रहा है। ये बेटी ही साथ है और बेटी है और बेटी बेटियों से प्यार करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा सजा हो गया। इसको बंद कर दे, जो बंद कर दे उसको मत लाए अपनी जबान पे, इसका अमल नहीं कर सकते। ये नारा बदल दे मोदी, रात पड़ी हुई है और सब कहते हैं बिरयानी खा रहे हैं, झूठा सिर्फ अच्छे दिन ही खा रहे हैं, सिर्फ अच्छे दिन मोदी साहब के ही आए हैं। हमारे जो दिन आए किसी के नहीं आए, हम सब यहाँ हैं बुरे दिन के हिसाब से, अच्छे दिन है उनके मोदी साहब के, जो हवाई जहाज खरीद रहे हैं फैके खरीद रहे हैं, हम नहीं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई।